अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज हम रोजे की दूसरी नियत का बयान करेंगे, तो आप इसे तफसीर से सुने और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रोजे की नियत करना, ये रोजे की यानी कि दूसरा वाजिबात है। हर रोजे के लिए रात को ही नियत कर लेना और उसका यकीन करना जरूरी है। अगर रमजानुल मुबारक के पूरे महीने की नियत एक ही बार कर ली जाए तो ये काफी नहीं। हमने जो हर रात को नियत करने से मशरूत किया है, इससे यही महज व आगानियत है। और अगर दिन को नियत की जाए तो उससे ना रमजान का रोजा होगा और ना कोई फर्ज, ये महज निफली रोजा शुमार होगा। इसलिए कि रात को नियत कर लेने की पाबंदी लगाई गई। अगर मुतलक रोजे की या फर्ज मुतलक की नियत की अगर, तो ऐसा करना दुरुस्त ना होगा। इसलिए कि नियत का यकीन करने की या माहे रमजान का फर्ज रोजा है। अगर शक की रात में ये नियत करके वो सुबह अगर रमजान का दिन हो तो रोजा रखूंगा, तो ये नियत कतई वो यकीनी बल्कि गैर यकीनी है और ये नियत दुरुस्त ना होगी। अगर लेकिन अगर किसी आदिल शख्स के कहने पर एतमाद करते हुए नियत करें, तो उस आदिल शख्स के कहने में उसे की गलती या झूठ का हदेशा यकीन पर असर ना अंदाज नहीं होता, या जो मौजूद हाल है उसकी मुनासिबत से नियत करें। जैसे कि रमजानुल मुबारक के आखिरी रात में शक पड़ जाए और उससे यकीन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपनी नियत के एतमाद से मंसूब करें। जैसे कोई शख्स किसी तह खाने में यानी कि तह खाने में कैद हो और इस्तमाहादी बना ले, पर ऐसे गालिब गुमान में ये हो के माहे रमजान का आगाज हो गया, तो उसका शख्स उसकी नियत और यकीन करने से नहीं रोक सकता। और जब शक की रात में उसे शक हो तो जबान से नियत वह इरादा करने से कुछ फायदा ना होगा, क्योंकि नियत का मकाम तो दिल है। इसमें शख्स के होते हुए इरादे का पुख्ता होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसे कोई शख्स माहे रमजान के दरमियानी में ये कहे कि कल अगर रमजान का दिन हो तो मैं रोजा रखूंगा, ये बात नुकसान का बास नहीं है, क्योंकि ये शख्स फकत जबान के हद तक है, बल्कि दिल जो नियत का मकाम है वहां कोई तर्द नहीं, बल्कि ये यकीन है कि कल रमजानुल मुबारक ही का दिन है। और जिस शख्स शख्स ने एक रात को रोजे की नियत की और नियत के बाद खाना खा लिया, तो उसकी नियत फासिद ना होगी, बरकरार रहेगी। औरत ने अगर हैज की हालत में रोजे की नियत की और फर्ज से पहले हैज खत्म होने से पाक हो गई, तो उसकी नियत दुरुस्त होगी। तो इंशाल्लाह हम कल तीसरा वाजिबात बयान करेंगे, तो आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को रमजान मुबारक के वाजिबात और फर्ज पता चले।